आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। इसके पहले वाले कालांश में विषय हम जो है व्यंजन संधि को स्वर संधि को पढ़ लिए, तो अब यह है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो ध्वनियों को हम जोड़ते हैं, दो वर्णों को जोड़ते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जो है संधि कहते हैं। तो लेकिन पहले क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन के आने के बाद विसर्ग। तो कहने का मतलब विसर्ग को करने के लिए यहाँ पर विसर्ग में हम कोई ध्वनि जोड़े तब वह जो विकार हुआ वह विसर्ग संधि बना। निह जोड़ रोग बराबर निरोग। अच्छा, तो कहने का मतलब पहला जो ध्वनि हो वो विसर्ग ही होना चाहिए। विसर्ग के बाद ही जो है संधि करता है, कोई शब्द आता है उसे हम विसर्ग संधि के रूप में जानते हैं। तो अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उदाहरणों को समझने के लिए हिंदी के साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने जो है नियम बनाए हैं। चार छह पांच सात नियम है, उस नियम को जान जाएंगे तो आप हजारों जो है संधि को जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इसलिए इन नियमों का जानना अति आवश्यक है। तो पहला नियम है, नियम नंबर एक, यदि अ के बाद विसर्ग हो, अ के बाद विसर्ग हो तो सामने तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह कोई भी वर्ण आता है तो क्या होता है, संधि होने के बाद वह ओ हो जाता है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि विसर्ग यदि अ के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है या तो य र ल व ह होता है तो वह क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनह जोड़ हर बराबर मनोहर। दूसरा है, अब देखिए यहां पर है विसर्ग के बाद जो है अगर कोई वर्ण, मैंने कहा कि जो है कोई भी वर्ण आए चाहे वह तीसरा हो चौथा हो पांचवा हो तो म जो है ये पांचवा वर्ण है या तो यह लगा हो तो क्या हो जाता है, ओकार हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे तपह जोड़ बल बराबर तपोबल। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, तेज जोड़ मैं बराबर तेजो मैं। कहने का मतलब पहला जो उदाहरण है ये स्पष्ट साबित होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग आए या तो यह में कोई भी आए तो क्या बन जाता है, यह ओ बन जाता है। तो यह पहला नियम सही साबित हुआ। अब देखते हैं नियम नंबर दो, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो क्या बन जाता है, च छ का जो है स बनता है। ध्यान देने की जरूरत है, अगर च छ आता है तो स बनता है, यदि ट ठ है तो खटपोड़ स बनता है, यदि त थ है तो छोटा सा बनता है। यदि विसर्ग के बाद च छ कोई ध्वनि आती है, पहला आप जानते हैं कि दो ध्वनियों के मिलाने से ही जो विकार होता है वही संधि होती है। तो यहां पर पहला ध्वनि के पहला ध्वनि तो विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद ही कोई शब्द आएगा अक्षर आएगा, तो च छ अगर है तो स बनता है, त ठ है तो ख बनता है खटपोड़ स, और त थ है तो स बनता है। जैसे च छ को देखते हैं हम यहां पर लेंगे, अब च छ में से कोई आए तो स बनता है। जैसे यही देख लेते हैं, निह जोड़ चिंत क्या हो गया, निश्चिंत, या निह जोड़ चय क्या हो गया, निश्चय। कहने का मतलब अगर च आता है यहां पर च आता है तो क्या बन जाता है, स बन जाता है। ये उदाहरण सही हुआ। अब तट में खटपोट सा कैसे होता है इसको देखते हैं। अभी हम लिखते हैं दूसरा इसका उदाहरण कि धनु जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार। अब यहां पर चितर के बाद ट आया तो ट का क्या बन गया, खटपोट सा बन गया, यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है। अभी हम लिख सकते हैं मान लीजिए कि निह जोड़ ठूर क्या हो गया, निष्ठुर, यहां पर खटपोट सा मिल गया आपको।
अब हमने बताया था आपको कि त था आता है, त था के बाद क्या मिलता बनता है, स हो जाता है। जैसे अभी देखिए इसका उदाहरण, निह जोड़ तेज बराबर निस्तेज। अब यह ध्यान दीजिए कि त था पर स बन रहा है, यहां पर त है तो क्या बन गया, स। अगला हम लिख रहे हैं कि नमः जोड़ कार, क्या बन गया, नमस्कार। या निजोड़ तार, क्या बन गया, निस्तार। चतुर्जोड़ पाद या चतुष्पाद कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है त का क्या बन गया, स बन गया, जो आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये जो है चतुष्पाद में अगर है तो ये सब आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह कठोर स नहीं होगा, यहां पर छोटा स ही होगा। अब आगे हम देखते हैं नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 में हम देख रहे हैं, तो अगर यहां पर दुविधा है तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन यहां पर स है क्योंकि चतुष्पाद में कहीं कहीं खटपुट स भी देखने को मिलता है, तो हम चाहें तो इसको जो हटा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं विजोतार। अब चौथा तीसरा देख रहे हैं कि अगर विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर अन्य वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है, मैं आपसे कहा कि यदि विसर्ग के बाद अ आ को छोड़ करके अगर कोई वर्ण आता है तो वह क्या बन जाता है, वह र हो जाता है। तीसरे नियम को आपने देखा, जैसे निह जोड़ जन, निह जोड़ जन। अब मैंने बताया कि इसके बाद अ आ है को छोड़ करके, इसको छोड़ने के बाद यहां इकार है, तो यहां पर विसर्ग के बाद ज आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, निर्जन या निजोड़ गुण बराबर निर्गुण। कहने का मतलब यह जो विसर्ग है किसमें बदल गया, र में, यह जो र है यहां पर यह सत्य साबित होता है। अब यहां पर देखिए नियम नंबर 4। तो नियम 3 नियम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, अब देख रहे हैं कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स ख स आता है तो, अब देखिए विसर्ग है पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि क्या है, स ख स, तीनों स ही है, बड़ा स, खटपुट स और छोटा स। अगर विसर्ग के बाद दूसरी ध्वनि के रूप में ये सब आते हैं तो इन्हीं दोनों का जो है बढ़ोतरी हो जाती है, यही जो है विसर्ग जो है उसी रूप में बदल जाता है, तो विसर्ग उसी में बदल जाता है। अब देखिए विसर्ग दूसरा नहीं बनता बल्कि स ख स में ही बदल जाता है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं आपको देखिए, दूह जोड़ साहस, क्या हो गया, दुस्साहस। अब देखिए यह विसर्ग हट गया लेकिन ये जो स है ये दोबारा आ गया, तो यहां पर ये स देखने को आपको मिलता है। अभी देखिए आपको मैं दूसरा बढ़ा रहा हूं कि निह जोड़ देह, निह जोड़ संदेह होता है, क्या हो जाएगा, निसंदेह। ये स जो है ये स दोबारा हो गया, जैसा कि नियम में आपको बताया। तो अब चौथा पांचवा नियम है कि यदि विसर्ग से पूर्व अगर कोई स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो, तो अभी हम आपको देखते हैं कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि निह ज
जोड़ रो, क्या हो गया निरो। अब आपको मैं ये चीज बताऊं कि यहां पर इसे लिखा है यद विसर्ग से पूर्व स्वर है और बाद में रह है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि जो है ह्रस्व जो है दीर्घ भी हो जाता है, यहां लिख सकते हैं तथा ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। अब यहां पर नी जो है ह्रस्व है और स्वर भी है तो जो है क्या हो गया ये जोड़ दिया रोग तो क्या हो गया निरोग हो गया, यह जो है दीर्घ के रूप में बदल गया। और यहां पर जो ये आपका विसर्ग है वो भी उसका भी लोप हो गया। दूसरा देखेंगे हम निह जोड़ रस बराबर नीरस या निह जोड़ रौ बराबर नीरव। अब आप देख लीजिए कि ये जो ह्रस्व है दीर्घ में बदल गया और विसर्ग का भी लोप हो गया, निरोग नीरस और नीरव। तो ये भी जो नियम नंबर 5 है ये स्पष्ट हुआ। अब नियम नंबर 6 देखिए, अब हम आपको बताएंगे यदि जो है विसर्ग से पहले ई उ स्वर हो तो, यदि विसर्ग से पहले ई और उ हो तो। अब नियम नंबर 6 में विसर्ग से पहले ई उ हो तो स्वर का जो है ये क्या बन जाता है खटकोण स हो जाता है, क्या बनेगा स खटकोण स। जैसे देखिए अभी हम देख रहे हैं आपको बता रहे हैं जैसे निह जोड़ कपट बराबर निष्कपट, आपने देखा विसर्ग के बाद अगर ई उ हो तो क्या हो गया स हो गया, ये विसर्ग है और कोई भी अब जो है ई उ के अलावा अगर है, अगर ई उ है अलावा नहीं ई और उ ही अगर ध्वनि का विकार उत्पन्न हो रहा है तो क्या बन जाता है कटकोण स बन जाता है। अगला देखिए निह जोड़ पाप बराबर निष्पाप, अगला हम दे सकते हैं चतुह जोड़ पाद बराबर चतुष पाद। तो इस प्रकार से ये खटकोण स जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है ई यू के अलावा अगर कोई आकाश तो क्या हो गया स हो गया। अब नियम नंबर 7 देखिए, नियम नंबर 7 जो है ये बहुत ही अच्छा है और हैरत इस बात की है कि विसर्ग संधि होने के बावजूद भी विसर्ग यहां से हटता नहीं है। अब ये जो है सुनने में तो अपवादित लगता है लेकिन विसर्ग संधि होने के बावजूद भी संधि होने के बाद भी यह विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे अभी हम कह रहे हैं विसर्ग के बाद क फ या प फ आए तो विसर्ग वैसे ही रहता है, मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में हमेशा अपवाद साथ में रहता है तो किसी चीज को हम एकदम नहीं कहते हैं 100%। अब यहां विसर्ग संधि होने के बावजूद इस नियम के तहत विसर्ग जो है वैसे ही अपने रूप में रहता है, यह कभी भी किसी परिस्थिति में हटता नहीं लेकिन इसको देखा जाए। जैसे अभी हम लिख दे रहे हैं प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल। अब देखिए यहां पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद कफ है या पफ का नियम के अंतर्गत आता है अगर ये है तो जो है विसर्ग ज्यों का त्यों है प्रातः काल। अभी दूसरा हम लिखिए रजह जोड़ कर्ण, क्या हो गया रजह कर्ण। तो कहने का मतलब ये प्रातः काल ये रजह कर्ण या अंतह जोड़ करण, क्या हो गया अंतह करण। कहने का मतलब अगर विसर्ग के बाद कफ है या पफ है तो विसर्ग ज्यों का त्यों अपनी स्थिति में बरकरार रहता है, ऐसा नहीं है कि विसर्ग संधि है तो विसर्ग हमेशा हट जाएगा हर नियमों के अंतर्गत। तो कहने का मतलब
विसर्ग संधि में भी तमाम नियम होंगे और तमाम नियम हैं और तमाम संशोधन भी हो रहा है, लेकिन 6-7-8 कक्षाओं के लिए अगर 5-7 जो नियम मैंने बताया अगर इसी नियम को आप जान रहे हैं तो ये बहुत ही पर्याप्त है और इसके माध्यम से इसको अगर आप समझ गए तो किसी भी संधि को जोड़ सकते हैं और उसका विच्छेद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में अवश्य आया होगा। अगर एक बार नहीं आया दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए और अपने किताब के दिए हुए उदाहरण को स्पष्ट कीजिए और इसको समझिए, जोड़ने और तोड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।